हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं इंदौरी पोहे। बिल्कुल आसानी से मैं आपको पोहा बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल खिले खिले, जो आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जब ही आप भी बिल्कुल परफेक्ट पोहा बना पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। देखिए फ्रेंड, मैंने पोहा लिए हैं और दो प्याज काट लिए हैं लंबे साइज में, और दो हरी मिर्ची, थोड़ी सी मूंगफली के दाने, और एक आलू, और धनिया और टमाटर। आप टमाटर की जगह नींबू भी ले सकते हैं। थोड़ी सी राई ली है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ। और अब बस हम चलते हैं। और अपनी मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें सबसे पहले अपनी मूंगफली फ्राई करेंगे। जब तक हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगी, जब तक हमारे पोहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो देखिए, बस हमारी मूंगफली अच्छी तरीके से भुन जाए। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जब आप बिल्कुल परफेक्ट पोहा बनाना सीख पाएंगे। तो देखिए, अब हमारी मूँगफली परफेक्ट भुज गई है, तो हम इसे अब निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल हो गई है रेड रेड, और ये बिल्कुल कड़क हो चुकी है। अब हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो हमने राई ली थी, वो राई को डालेंगे। जब तक राई अच्छे से न चटक जाए, हम थोड़ा चला देते हैं चम्मच से कि हमारी राई है जो अच्छी तरीके से चटक जाए। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और सौंफ डालेंगे। अब इसे भी थोड़ा रेड रेड हो जाने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने काट के रखा था और अच्छी तरीके से इसे धो लिया था। हम आलू अच्छी तरीके से, जब तक हमारा फ्राई नहीं हो जाता है। देखिए, हमने आलू डाल दिया है, बस थोड़ा सा आलू पक जाए, फिर इसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। क्योंकि आलू थोड़ा टाइम में पकता है, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है। अब हम इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी एक बड़े साइज में, वो प्याज डालते हैं। अब दो हरी मिर्ची काटी थी, उन्हें भी डाल देते हैं। और बस अच्छी तरीके से इन्हें मीडियम गैस पर भूनने देते हैं। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। जब ही हमारे आलू हैं जो बिल्कुल परफेक्ट पक पाएंगे, और हमारे पोहे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं कि हमारे पोहे हैं जो थोड़े जल्दी पक जाए। हम देख लेते हैं कि हमारे आलू सही तरीके से पके हैं या नहीं। देखिए, ऐसे ही चम्मच चला कर देखेंगे। अभी थोड़े तो पक गए हैं, अभी थोड़े मुझे लग रहे हैं कि अभी नहीं पके हैं। तो हम इन्हें एक बार और कवर कर देते हैं और ढक देते हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं, अब हमारे आलू हैं जो बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। देखिए, मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखा रही हूँ। देखिए, हमारे आलू हैं जो बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं, और हमारी प्याज भी है, उसका भी कलर चेंज हो गया है। अब देखिए, हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। अगर आपको टमाटर नहीं डालना हो तो आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर की जगह नींबू भी यूज कर सकते हैं। और बस, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं कि हमारे जो टमाटर डाले हैं वो बिल्कुल अच्छी जल्दी से बिल्कुल मसाले में ऐड हो जाए। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है, थोड़ी सी ही डालेंगे, वो भी हम आलू और टमाटर ही में डाल देंगे। तो हमारी जब हम पोहा डालेंगे तो उनका कलर बिल्कुल अच्छा आएगा। अब चलिए, हम अपने पोहों को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। हमें एक दो बार पानी डालना है, और ज़्यादा टाइम तक गला के नहीं रखना है, ना तो हमारे पोहे हैं जो बिल्कुल हलवा टाइप के हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। चलिए, हम पोहा को इसमें ऐड कर देते हैं। बस हल्के धो, और पहले से धो के नहीं रखना है पोहा को, ना तो हमारे पोहे हैं जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे और वो गीले हो जाएंगे। हल्के धोना है जब हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो जाएं। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। कोई भी हमारे पोहे ऐसे नहीं है कि वो गीले हो गए हों। देख, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हमारे पोहे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा करा था।
अब उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। देखिए उसके बाद जो मूंगफली हमने फ्राई करके रखी थी वो मूंगफली भी ऐड कर देते हैं। देखिए बिल्कुल इनको हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं कि हमने जो धनिया पत्ती और मूंगफली डाली है उसमें और नमक जो बिल्कुल परफेक्ट मिल जाए। और देखिए फ्रेंड हमारे पोहा हैं जो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल खिले खिले पोहा हमारे बन के रेडी हैं। हमारे पोहा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए हमारे पोहा बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें ऐसा नहीं है कि गुठले टाइप के हों या हमारे पोहा बिल्कुल गीले हो गए हों, बिल्कुल इंदौरी स्टाइल में हमारे पोहा बिल्कुल बन के रेडी हैं। देखिए अब देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड अगर आप सभी लोगों को मेरी पोहा वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो।